दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले यूपी में जो मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद का, उसमें बहुत से छात्र सेलेक्ट हो चुके हैं और अब वो इंतजार कर रहे हैं इसके इंटरव्यू का। यानी कि इंटरव्यू की डेट जो है कुछ महीनों में आने वाली है, हो सकता है 1 से 2 महीने के अंदर ये आ जाएगी। और इसको लेकर बहुत से लोगों को या छात्रों को चिंता है कि मेडिकल ऑफिसर के जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बोर्ड में कौन कौन रहते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे हम इनको फेस करेंगे। सबसे ज्यादा समस्या सवालों को लेकर होती है कि सवाल क्या क्या और कैसे पूछे जाते हैं, और सवाल पूछे जाते हैं तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए। तो ठीक इन्हीं सारी चिंताओं को लेकर काफी छात्रों का कमेंट आया था मेरे पास कि आप कुछ ऐसी वीडियोज बनाएं जिसमें कि जो कुछ स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं वो अपने अनुभव शेयर करें और क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए उसको भी बताएं, और कुछ अपने हिसाब से क्या क्या और तैयारियां करनी चाहिए उस पर डिस्कस करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, और ये तीनों हमारे ही कॉलेज के छात्र हैं जिनकी पीजी जो है कंप्लीट हो चुकी है, और तीनों पंचकर्म से तीनों ने पीजी किया हुआ है, और हमारे कॉलेज से लगभग जो है 50 से 60 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में हम सिर्फ 3 छात्रों से ही आपकी मुलाकात करवाएंगे, और तीनों छात्र जो है आपसे और अपने अनुभव को शेयर करेंगे। वो आपको डिटेल में बताएंगे कि मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और आप किस तरह से इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, कौन कौन से आपको चैप्टर्स पे या सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ये सब डिटेल आपको ये बताएंगे। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे तीनों स्टूडेंट से, और जो अभी वर्तमान में जो चयनित हो चुके हैं, और उनका मेडिकल होने के बाद उनको 1 महीने के अंदर अंदर उनको जो है कहीं ना कहीं पोस्टिंग जरूर मिल जाएगी। हेलो, आई एम डॉक्टर प्रतिभा यादव, एमडी पंचकर्मा, फाइनल ईयर स्टूडेंट, आरएसी वाराणसी। मेरा चयन एमओसीएच में मेडिकल ऑफिसर के रैंक पर हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं आयोग की। मुझसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताती हूँ, जिससे आपको कुछ आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि आप अगर पंचकर्म से हैं तो आप पंचकर्म के थ्रू बच्चों में अगर मसलर डिस्ट्रॉफी है तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकती हैं। तो मैंने उन्हें ये बताया कि जैसे हमारे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे षष्ठी शादी पिंड छेद होता है, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट में दिखाई देता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे 3 साल के अपने कोर्स के थ्रू उन पेशेंट में रिजल्ट देखा है। दूसरा मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर पेशेंट को रिकेट्स वगैरह है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं आयुर्वेदिक के थ्रू और मॉडर्न प्रिपरेशन के थ्रू, तो वो क्वेश्चन पूछे गए थे। और सालाकी के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि बच्चों में स्पेशली पीडिया के क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे पीडिया के सर थे तो उन्होंने मुझसे पीडिया के क्वेश्चन पूछे थे कि नेत्र रोग अगर बच्चों में हो जाए या विटामिन ए की डेफिशिएंसी बच्चों में हो जाए तो उसे आप आयुर्वेद के थ्रू किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप नहीं होते हैं। तो अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है तो आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको सब कुछ होनी चाहिए कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है और वहाँ पे किस तरह से आपके आंसर उनको बोलना है। तो अगर आप पंचकर्म में आयुर्वेद से हैं तो आपको पंचकर्म की फुल नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अपना अच्छा इंप्रेशन उन लोगों तक पहुँचा सकें। और अगर आप एमडी नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि जो मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम होता है उसमें सिर्फ बीएमएस की ही क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, उसमें एमडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर आप केवल बीएमएस ही हैं तो भी आप प्रॉपर जितने भी आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट हैं आप उस पर कमांड करके आप उसमें अच्छा अपना इंप्रेशन दे सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन है, जैसे काय चिकित्सा, पंचकर्म, पीडिया, गायनी, लड़कियों से स्पेशली गायनी के क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं, तो आप ध्यान रखें। अगर गर्ल्स हैं तो आप आपकी गायनी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बहुत सारे जो भी मेरे दोस्त लोग हैं उन लोगों ने बताया कि डायबिटीज से, हाइपरटेंशन से, जो भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। तो आपको ये जो चल रही है ओबेसिटीज वगैरह है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इन पर भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। बाकी आप लोग सब सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार वैद्यजन, मैं वैद्य नदीम परवेज, एमडी पंचकर्मा का स्कॉलर, वाराणसी आयुर्वेद कॉलेज में हूँ। मेरा सिलेक्शन एमओसीएच आयुर्वेद एंड एवं यूनानी में अभी हुआ है, और आने वाला अभी एएमओ का जो एग्ज़ाम है उसमें उसका इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है।
उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एक सलाह के रूप में दे बताना चाहूँगा। इसके इंटरव्यू के लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ तैयार करने की, अपने सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लेन BMS हैं तो जो एक जनरल डिजीज होती हैं, सामान्य व्याधियाँ, उनके बारे में आप तैयार कर लें जो किसी एक सामान्य OPD में आती हैं, जैसे वात व्याधि हो गए या गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह, या फिर आपके जनरल जो पेट के बीमारियाँ हैं, आपके रक्त पित्त ज्वर, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा तैयार कर लें। इनकी एक कॉमन डिजीज़, कुछ काष्ठ औषधियाँ, कुछ दश औषधियाँ जो आप में दे सकते हैं, वो आप कुछ तैयार करें। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांच से PG कर रहे हैं तो आप अपना टॉपिक, आपका थीसिस अगर आपका चल रहा है तो उस थीसिस का टॉपिक, और यदि आपका थीसिस नहीं हुआ है तो जिसमें आप PG कर रहे हैं उससे संबंधित एक बेसिक कुछ ना कुछ आपको पढ़ना चाहिए, उसका पढ़ते हुए जाएँ। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जनरल बहुत सिंपल पूछा जाता है, आप बहुत ज़्यादा नर्वस मत होएं। एक सामान्य रूप से जैसे आप बाय बाय देते हैं प्रैक्टिकल में, उसी तरीके से इंटरव्यू इसमें आराम से ही आप अपने सवालों के जवाब दीजिएगा, और आप एक कॉन्फिडेंट रहिएगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ आप जो भी आप बता सकें। मुझसे पहले पूछा गया था कि मैं MD कर रहा हूँ, कौन से ब्रांच से MD कर रहा हूँ, मैं पंचकर्मा से MD कर रहा हूँ। मैंने जब उन्हें यही बताया था तो उन्होंने मुझसे खुद से पूछा था कि आपने क्या पंचकर्म किया है अपने ऊपर। मैंने अपने ऊपर जो जो पंचकर्म किए हैं वो सब बताए थे। फिर उसमें सामान्यतः पूछा था कि अगर कोई भी एक डिजीज बना के पूछा गया था कि यदि कोई आपके पास पेशेंट नाक से खून बहता हुआ आ रहा है, या आपके पास कोई पेशेंट बैठा है जिसके नाक से खून बहने लगे, तो आप उसमें क्या करेंगे, तो उसमें हम कोई भी स्तंभन नस से हम उसमें दे सकते हैं, इसका इसमें एक आंसर उसका था। सामान्यता जो बात है आम बात और बात रक्त, तो इसमें डिफरेंस में ये आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा कि ज्वर की औषधियाँ पूछी गई थी कि आप ज्वर की कुछ 5 औषधियाँ कम से कम बताएं आप, ये सवाल पूछे गए थे एक सामान्यता रूप से। और मेरे PG पंचकर्मा चल रहा है जिसमें मेरा थीसिस खालिद पे यानी कि हेयरफॉल पे था, तो उन्होंने मेरे थीसिस से संबंधित कि हाँ, कि आपने हेयरफॉल पे नस्य क्यों लिया, इसके अलावा नस्य और बस्ती में आपने दोनों में कंपेरेटिव ग्रुप में क्यों इसको लिया गया था, इसके अलावा स्किन के अलावा हेयरफॉल, इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी पूछी गई थी जो एक बेसिक मैंने अपनी थीसिस में बनाई थी, इसके सवाल से। मैं मेरा सिलेक्शन MOCH में हुआ है जिसमें मेरी रैंक 54 आई है। मैं सबसे पहले यही आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आप भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो फिजिक है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जैसे आप किस तरह से अपनी जो है जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पर कैसे आप एंटर करते हैं, वहाँ पर कैसे बैठते हैं, कैसे आप उनसे बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद जैसे आप किस सब्जेक्ट में, जैसे मैं MD हूँ तो मेरे से किस सब्जेक्ट में मेरी थीसिस चल रही है, तो मैंने उनको जैसे बताया कि मेरा सीट पे थे यानी IT एरिया में मेरा थीसिस पर है, तो उन्होंने मेरे से पहले उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे और साथ में कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी उन्होंने पूछे। जैसे उन्होंने पूछा मेरे से कि अगर किसी पेशेंट के यहाँ पे बटरफ्लाई लाइक रैशेज अगर वहाँ पे हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो फिर मैंने उसका आंसर दिया। इस तरह से कुछ और भी जैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, जैसे नाड़ी परीक्षा, कि आप नाड़ी परीक्षा जानते हैं या नहीं जानते हैं, कि आप मेरी प्रकृति बता सकते हैं, इस तरह के कुछ जनरल क्वेश्चन हैं जो आप बता सकते हैं उसको। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स के बारे में मेरे से पूछा गया, जैसे TB प्रोग्राम है तो वो कब लॉन्च हुआ, उसमें क्या डॉट का क्या रोल है, डॉट में कौन से ड्रग आते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चन, जैसे आप जब आप किसी अहदे पे बैठते हैं या किसी पोस्ट पे बैठते हैं तो आपके क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं, कि आप कैसे लोगों को ट्रीट करेंगे, कैसे वहाँ के पॉपुलेशन को कैसे वहाँ पे उनको जनरल अवेयरनेस कराएंगे, इन सब के बारे में भी मेरे से पूछा गया था। तो सबसे बस यही है लास्ट की, आपको जब भी आप किसी को अपना आंसर देते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट देना चाहिए, जिससे सामने वाले को भी आप में कॉन्फिडेंट दिखे। थैंक यू।